नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। लगभग एक महीने से हॉरिफिक हाथरस रेप कांड सुर्खियों में छाया हुआ है। मुद्दे को लेकर एक तरफ तो काफी राजनीतिक गहमा गहमी है, तो वहीं दूसरे तरफ एक उदासीनता की लहर चल रही है। कोई नई बात क्या है? गरीब घर की लड़कियां, खास तौर से वे जो डाउनट्रॉडन होती हैं या फिर दलित समाज की होती हैं, उनका तो हमेशा से ही रेप या फिर यौन शोषण उच्च जाति के लोग करते आए हैं। नई बात क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के नेताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस पूरे मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाए। हम अगर इस बात को अलग रख दें और नजर डालें एक एनिवर्सरी पर, जो इस घटना क्रम की वजह से हम लोगों के नोटिस में नहीं आया है या फिर मिस हो गया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन का 200th बर्थ एनिवर्सरी था, 200वां। वे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन जैसे इंसान को याद करना आज के हिंदुस्तान में बहुत जरूरी हो गया। सबसे पहले तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके बारे में मैं कुछ बातें मोटे तौर पे बता दूं। पैदाइशी ब्राह्मण ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जो मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड पोर्ट्रेट आपको कहीं भी देखने को मिलता है, चाहे वो इंटरनेट पे हो या चाहे किसी सरकारी दफ्तर के दीवारों पर, वो किसी भी तरह से ब्राह्मण हुड का मैनिफेस्टेशन नहीं है। ना खाली बदन, ना उस पर जनेऊ और ना ही माथे पर लंबा तिलक। विद्यासागर को तो ये उपाधि दी गई थी उनके संस्कृत और फिलॉसफी के ज्ञान के लिए। हिंदुस्तान में विद्यासागर जैसे इंसानों की कमी क्यों खटकती है? दो कारण मुख्य हैं। पहला, महिलाओं को इक्वल दर्जा दिलाने के लिए उनके एफर्ट्स, और दूसरा बांग्ला अल्फाबेट जैसे हम जानते हैं आज के युग में उसका कोडिफिकेशन और उस तरह से भाषा को सरल बना के उसको डेमोक्रेटाइज करना। अपने 71 वर्ष की जिंदगी में विद्यासागर एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविस्ट भी थे। आज सरकार कहती है एक्टिविज्म इज इक्वल टू एंटी नेशनलिज्म। ये वही सरकार है जिसके पार्टी के लोग, उसके हेंचमैन, पिछले साल आम चुनाव के वक्त कलकत्ता के सड़कों में एक जुलूस निकाल रहे थे और एक कॉलेज में जाकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू को तोड़ दिए थे। विद्यासागर ने विमेंस एजुकेशन और विडो रीमैरिज को परमिट करने के लिए कैंपेन चलाई थी। उन्हीं कैंपेन की वजह से औरतों की जिंदगी का बेटरमेंट हुआ था। कम आयु में विद्यासागर संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, परंतु उनके अपने कॉलीग्स के साथ काफी मेजर इश्यूज पर डिफरेंसेस थे। विद्यासागर सिलेबस में काफी चेंजेस चाहते थे जिसके लिए उनके कलीग्स एग्रीएबल नहीं थे। साथ ही विद्यासागर चाहते थे कि नॉन ब्राह्मण्स को कॉलेज में भर्ती दी जाए, वो भी संस्कृत और फिलॉसफी पढ़ने के लिए। विद्यासागर एडवोकेटेड टीचिंग ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफीज ऑफ जॉन लॉक एंड डेविड ह्यूम
instead of ancient Hindu philosophy. In every way, he was a modernist. At that time, according to superstition, an educated woman was considered as being the cause of her husband's death. As a result, Vidyasagar faced stiff opposition from the upper caste establishment. Reasons were his suggestions that men and women, regardless of caste, should receive the best education. Yet he soldiered on, did not give up. Child marriage was a common practice when Vidyasagar was growing up. He himself was married off when he was 14 to a girl who was just 8. Young and prepubescent girls were married off to men who were much older to them. Many of them, especially the Kulin Brahmins, had scores of wives, some even more than 100, 150. Female infanticide was also the common order of the day. Female fetuses would be destroyed brutally through a process or a practice which was called ghat murder. दुख की बात यह है कि आज के हिंदुस्तान में ऐसी प्रथाएं अभी भी हमको कई जगह देखने को मिलती हैं। आम बात है कि अखबार में या टेलीविजन चैनल में ऐसे हेडलाइंस प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होते हैं। बट विद्यासागर्स मोस्ट रेडिकल पोजीशन वाज ऑन द इशू ऑफ विडो रीमैरिज। Because women had no right to property or inheritance, once they were widowed, they had nothing but a lifetime of misery in store for them. Unko jabardasti shakahari banne ko kaha jata tha, and they were robbed of their sexuality, youth and beauty. Mathura, Vrindavan jaise teerth sthalon pe aap कभी भी चले जाइए, आपको ये दृश्य ऐसे ही फिर दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि विद्यासागर के युग में आप वापस लौट गए हैं किसी टाइम मशीन में बैठकर। परंतु विद्यासागर के कैंपेन के वजह से विधवा पुनर्विवाह कानूनी तौर पर एक बिल्कुल लीगल और जायज हो गया। विमेन्स राइट्स और इक्वालिटी की स्ट्रगल में ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसके लिए विद्यासागर ने हिंदू शास्त्रों के ज्ञान का पुरजोर उपयोग किया था। 1855 में उन्होंने दो बहुत विख्यात ट्रीटाइसेस ऑन विडो रीमैरिज उन पर लिखा था। एक ही सप्ताह में 2000 प्रतियां बिक गईं। कुल 15,000 से ज्यादा कॉपीज की सेल हुई थी। These texts advocated marriage of Hindu women, drew upon the sutras or the literary compositions and the shastras or the religious texts and scriptures. He logically established his argument. Hindu texts had not prevented or proscribed remarriage of widows. विद्यासागर ने पराशर संहिता को कोट किया। महिलाएं रीमैरी कर सकती हैं अगर उनके पति का डेथ हो गया हो, और एल्स इफ दे वर डिक्लेयर्ड इनसेन। विद्यासागर की किताब और उनके पोजीशन का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उन पर जान की धमकी भी दी गई, लेकिन वो डटे रहे, अपने कैंपेन से हटे नहीं। 26 जुलाई 1856 को द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट फाइनली पास हुआ। रिफॉर्म्स सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थे। 1864 में ज्योतिबा फूले ने एक सारस्वत ब्राह्मण महिला को, जो विधवा हो गई थी, उनको रीमैरिज करने के लिए मोटिवेट किया। प्रथा को पॉपुलराइज और सोशली एक्सेप्टेबल करने के लिए विद्यासागर ने लंबी कैंपेन की शुरुआत कर दी।
उनके एकमात्र पुत्र जिनका नाम नयनचंद्र था, उनकी शादी भी एक विधवा लड़की से उन्होंने करा दी, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए समाज के सामने। अपने भाई को उन्होंने एक पत्र लिखा, बहुत ही रिलेवेंट पत्र है, मैं कोट कर रहा हूं, रीमैरिज ऑफ विडोज इज द नोबलेस्ट डीड ऑफ माय लाइफ। पत्र जाहिर सी बात है बांग्ला में था, मैं अंग्रेजी में उसका अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूं। आगे उन्होंने लिखा, आई हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर दिस कॉज एंड वोंट माइंड लेइंग डाउन माय लाइफ फॉर इट। महिलाओं के राइट्स और उनके डेवलपमेंट के लिए विद्यासागर का कमिटमेंट एकाएक डेवलपमेंट नहीं था, ऐसा नहीं कि अचानक ओवरनाइट डेवलपमेंट हो गया। उनके पहले राजा राममोहन रॉय के रिफॉर्म्स का लंबा कैंपेन चला था करीब 2-3 दशकों से। साथ ही विद्यासागर के कंटेम्पररीज भी थे जिनसे वो इंस्पायर भी होते थे और उनको भी इंस्पिरेशन देते थे। ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद, राणा डे, ढोंडू केशव कारवे और पंडिता रामाबाई जैसे भारतीय थे जिन्होंने 19 सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म्स को पॉपुलराइज और कैंपेन चलाने में बहुत अहम रोल प्ले किया था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत राजा राममोहन रॉय के एंटी सती मूवमेंट से शुरू हुआ था। राजा राममोहन रॉय का कैंपेन का बैकड्रॉप ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का इमरजेंस था। उस समय भारतीय समाज को, जो कि मेनली हिंदू समाज माना जाता था, अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बैकवर्ड मानती और प्रोपगेट करती थी। हिंदू समाज में मॉडर्निटी के एस्पिरेशंस दिखाई दे रहे थे उस वक्त में। इस प्रोसेस में ब्रिटिश द्वारा प्रोमोटेड मॉडर्न या फिर वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम का बहुत मेजर रोल भी था। बंगाल में यही जो इमर्जिंग सोशल एलीट था, जिनको कि बाद में जाके भद्रलोक या फिर भद्रलोक कहा जाने लगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मॉडर्निटी अशर इन करने के लिए इनसे मदद मिली और उन्होंने इनकी मदद की। उस समय के सोशल रिफॉर्मर्स ने ब्रिटिश नेसेसिटी टू डिपिक्ट इंडिजेनस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज रेट्रोग्रेड, इस चीज का इस्तेमाल किया था। राजा राममोहन रॉय वाज द फर्स्ट 19th सेंचुरी इंडियन पर्सनालिटी टू पब्लिकली अंडरटेक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन एंड हिंदू हेरिटेज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा राममोहन रॉय वाज पार्ट ऑफ द इमर्जिंग इंडियन बुर्जुआजी दैट डेवलप थ्रू द वेस्टर्न और द ब्रिटिश डोमिनेंट सिस्टम। लेकिन उनका अपना एजेंडा भी था जिसको उन्होंने कभी अबैंडन नहीं किया, जाति प्रथा के खिलाफ, आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ, पर्दा, बाल विवाह, सती आदि आदि, इस तरह के जो वो मानते थे कि जो खराब प्रथाएं थी उनको रिफॉर्म करने के लिए उनके विरुद्ध वो कैंपेन लगातार चलाते रहे। उस समय के जरूरत के मुताबिक राजा राममोहन रॉय ने अपने डिस्कोर्स के जो पैरामीटर्स थे उसको पूरी तरह से सूत्रों और फिर शास्त्रों के अंदर ही रखा था। विद्यासागर और बाकी रिफॉर्मर्स, उनके कंटेम्पररीज और उनके बाद के भी जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने राजा राममोहन रॉय द्वारा बनाया हुआ टेम्पलेट को फॉलो किया, अपने डिस्कोर्स का पैरामीटर सूत्रों और शास्त्रों के बीच में ही रखा। 1829 में सती प्रथा को अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास होने के बाद में 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड पर बैन लग गया। उसके बाद 19 मार्च 1891 को एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। इस कानून के तहत सेक्सुअल रिलेशंस के लिए लड़की का कंसेंट का एज 10 से बढ़ाकर
12 कर दिया गया। 10 साल का लिमिट 1860 में सेट किया गया था। 1857 के बाद 1857 के बाद जब इंडिया या हिंदुस्तान ब्रिटिश क्राउन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गई, उस समय इंडियन पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके तहत एज ऑफ कंसेंट 10 साल पर फिक्स किया गया था। एज ऑफ कंसेंट को 1891 के बाद इंक्रीज किया गया 14 वर्ष में इन 1925। इसको रिवाइज किया गया 1940 में 16 साल की उम्र के लिए। उसके बाद फाइनली जाके 2013 में एज ऑफ कंसेंट बिकेम 18 इयर्स। कानून के अंतर्गत एज ऑफ कंसेंट के नीचे के किसी भी लड़की के साथ यौन संबंध को रेप माना जाता है। हालांकि सोशल रिफॉर्मर्स चाइल्ड मैरिज प्रथा के खिलाफ थे, उनको ऑपोजिशन उस समय 19 सेंचुरी में बहुत फेस करना पड़ा था। बाल विवाह का कैंपेन इंटरेस्टिंगली बॉम्बे से शुरू हुआ था, नॉट लाइक सती एंड विडो रीमैरिज जो कि बंगाल और कलकत्ता में इनिशियली केंद्रित हुआ था। बहुत सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिनका खुद बाल विवाह हुआ था। इस आंदोलन को अपोज करने वालों में से बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नेता थे। उनके हिसाब से ब्रिटिश सपोर्ट फॉर रेगुलेटिंग एज ऑफ कंसेंट एंड प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस वॉज एन अटेम्प्ट टू लेजिटिमाइज द कलोनियल रेजीम। फर्दर मोर दे सेड दिस वॉज एन इंस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्राइंग टू रेगुलेट एंड गवर्न हिंदू कस्टम्स एंड दिस वॉज नॉट acceptable to the people of this country. Finally, social support for age of consent को raise करने के लिए तब मिला जब फूलमोनी नाम की एक बच्ची को 10-11 साल की मुश्किल से उसकी उम्र थी, उसको उसके 30 वर्षीय पति ने रेप किया और वो लड़की की मृत्यु हो गई। पति के खिलाफ लेकिन रेप के चार्जेस नहीं लगाए गए। एज ऑफ कंसेंट को रेज करने के खिलाफ आंदोलन की वजह से अर्ली हिंदू नेशनलिस्ट्स जो मूवमेंट चला था उसको भी बहुत फायदा हुआ, उसका सपोर्ट बढ़ा। एकेडमिशियंस ब्रेंडा क्रॉसमैन और रत्ना कपूर ने लिखा है, द लेजिस्लेशन कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय further raising the age of consent, but the outcome of this discursive struggle was to effectively mobilize the political nationalists and undermine the legitimacy of the efforts of social reformers. Is setback ki wajah se 38 saal guzar gaye. Is setback ki wajah se 38 saal guzar gaye. Finally, 1929 में जाकर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ। इसको पॉपुलरली सारदा एक्ट भी कहा जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। इस कानून के स्पॉन्सर हरबिलास सारदा के नाम से ये बिल पॉपुलरली जाना जाता है। सारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 घोषित की गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष। बाद में इसको बढ़ाकर 18 और 21 की गई। भारत सरकार ने अभी एक कमिटी नियुक्त की है मिनिमम एज स्पेशली फॉर विमेन को रिव्यू करने के लिए। हिंदुस्तान में रेप लॉज को और स्ट्रिंजेंट किया गया है। निर्भया रेप केस के बाद जो रेप लॉज हैं उनको और टीथ दिए गए हैं, लेकिन जैसे हाथरस वाला इंसिडेंट हमको दिखाता है, वीक पुलिसिंग, पॉलिटिकल मोटिवेशंस और फिर अल्टीमेटली कॉम्प्लिसिट गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी के वजह से हम वहीं खड़े हैं जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर
और बाकी सोशल रिफॉर्मर्स खड़े थे। उनके याद में रिचुअलिस्टिक बयान और स्टेटमेंट, ट्वीट्स, ये सब जारी करके जो नेता और जो सरकारी ऑफिसर्स जारी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाउ डू वी फुलफिल द ड्रीम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ सीइंग इंडिया एज अ कंट्री वेयर वुमेन, एस्पेशली दोज फ्रॉम द डाउनट्रॉडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वेयर दे कैन लिव विथ सिक्योरिटी एंड विथ डिग्निटी, वेयर दिस कंट्री कैन बी वन where the perpetrators of crime against them, against the women, do not get any official patronage. हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये प्रोग्राम और न्यूज क्लिक के तमाम प्रोग्राम शेयर करें सोशल मीडिया पर और इसको अवश्य लाइक करें। नमस्कार। Thank you.